पहले जो आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के 131वीं जयंती के आप सभी को हार्दिक बधाई और आप सभी के लिए मंगल कामना है कि आप जितने जिम्मेदारी से जितने मजबूती से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती मना रहे हैं, आने वाले कल में आप उनके दिखाए रास्ते में भी चल के बाबा साहब अम्बेडकर के अधूरे कारवां को सपने को पूरा करने का काम करेंगे। गोल्डन क्रिकेट क्लब की ये सम्मानित चीज आपने मुझे बुलाया, यहाँ अवसर दिया। साथियों, हमें जब हम इतने बड़े पैमाने पे इकट्ठा हुए हैं तो यहां से आज कुछ ना कुछ सीख के जाना। आज ये जो सम्मान और ये जयंती मनाने का अवसर भी हमें मिला है, इसके लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने चार बच्चों की कुर्बानी दी है। उन कुर्बानियों की बदौलत आज एक इतना सुंदर मंच और उससे पहले भी बड़े पैमाने पे भीम नगरी में बड़े बड़े सुंदर मंच लग के बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती मनाने का काम होता। साथियों, मान सम्मान का यह आंदोलन जो 1848 में राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले ने शुरू किया, फिर छत्रपति साहू जी महाराज ने उसको आगे बढ़ाया, फिर विश्व रतन नारी के मुक्तिदाता भारत के संविधान के रचयिता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इस आंदोलन को चलाया और आज उनके जाने के बाद जब माननीय साहब श्री काशीराम ने इस आंदोलन को चलाया, आज उनके जाने के बाद मुझे विश्वास है कि उनकी आने वाली पीढ़ी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के सपने को पूरा करने के लिए अपने जीवन का थोड़ा थोड़ा योगदान जरूर देगी। साथियों, आज के दिन मुझे आपसे यह भी कहना है कि हमें महापुरुषों का मात्र चित्र नहीं बदलना है, उनका चरित्र भी बदलना है। बाबा साहब अम्बेडकर चाहते तो दुनिया के सबसे धनवान व्यक्ति बन जाते, बाबा साहब अम्बेडकर चाहते तो लंबे समय तक राज करते, बाबा साहब अम्बेडकर चाहते उनकी कई कई पीढ़ियां इस देश में सबसे ताकतवर हो जाती, लेकिन उन्होंने एक ही बात सोची कि ये जो मेरा शोषित वंचित समाज है, इस देश की तमाम महिलाएं बहने बेटियां हैं, उनको मैं सम्मान का जीवन कैसे दे पाऊं, उसकी पटकथा लिखी उन्होंने 2 साल 11 महीने 18 दिन में जब भारत का संविधान तैयार हुआ। आज मैं आपसे यह भी पूछना चाहता हूं कि आप तमाम तरह से इतने साधन पैसा खर्च करके बाबा साहब की जयंती को मना रहे हैं, कि आप बाबा साहब का रूह सबका जो वो कहकर गए थे कि चाहे अपने घर की दीवारों पर लिख दो हम इस देश के शासक है, आप उसको कब पूरा करने वाले हो, ये सवाल भी खुद से किया करो। अगर आप ये सवाल खुद से नहीं करोगे तो उनके रास्ते पर चल के आपका इतिहास खत्म कर देने वाले लोग, इस देश के संविधान को न मानने वाले, उस देश के संविधान को जो जिस संविधान ने हमें जानवरों से निकाल के इंसान का जीवन दिया, पहनने के लिए कपड़े प्रोवाइड कराए, पढ़ने के लिए स्कूल खुलवाए, नौकरी करने के लिए डिपार्टमेंट तैयार करवाए, अगर हम पे जुल जाती अन्याय होता है तो पुलिस की व्यवस्था है, अगर बाहरी आक्रमण होता है तो सेना की व्यवस्था है। अगर मैं पूछना चाहता हूँ कि बाबा साहब अम्बेडकर का सपना अधूरा है, उनकी सेना उनका सपना कब पूरा करने वाली है? सम्मानित साथियों, मेरे आज भी याद है, ये यही आगरा है, ये यही महामंडी है, भाई अरुण वाल्मीकि के साथ जो हुआ था मैं भी भूला नहीं हूँ, मेरे आज भी याद है। उसकी पत्नी मेरी बहन ने मुझे बताया था कि भाई मैं 30 दिन की रक्षा थी, मेरी बेटी 30 दिन की थी, लेकिन मेरे बदन पे कोई ऐसी जगह नहीं थी जहाँ
अन्याय अत्याचार का निशान ना हो। ऐ मेरे सोयले समाज के लोगों, एक दिन की खुशी मनाते हैं और 364 दिन गुल गुलाबी जून जैसे की जिंदगी जीना क्यों चाहते हो? 364 दिन बाबा साहब को याद रखा करो, बाबा साहब के सपनों को याद रखा करो, समाज में एकता बनाया करो, पढ़ा करो, लिखा करो और तरक्की के रास्ते में चला करो। बहुत सारे बड़े पैमाने पर नौजवान इस लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार है। मैं नौजवानों से भी ये कहना चाहता हूँ, अगर महापुरुषों की मत को मानते हो तो उनकी भी मानो, महापुरुषों को मानते हो तो उनकी भी मानो। जयंती बनाने से काम नहीं चलेगा, उनकी विचारधारा को साफ करके और उस विचारधारा को पूरे प्रदेश में देश में प्रचार प्रसार करके इस देश में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के सपनों का भारत बनाने की जिम्मेदारी भी आपकी। जिस तरह से दूसरे लोग उनके विचारधारा को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं, क्या कभी आपने अपने अंदर झांक के देखा कि आप बाबा साहब अम्बेडकर को धोखा दे रहे हैं या उनका सपना पूरा कर रहे हैं? अगर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ना होते तो कौन तुम्हें डॉक्टर बनाता, कौन तुम्हें इंजीनियर बनाता, कौन तुम्हें वकील बनाता, कौन तुम्हें आईपीएस बनाता, आईएएस बनाता? और छोड़िए, आज जो विधायक एमपी बने घूम रहे हैं वो भी बाबा साहब अम्बेडकर की देन है। ऐ मेरे शोषित समाज के लोगों, ऐ मेरे दलित पिछड़े माइनॉरिटी के लोगों, ऐ मेरे कमजोर गुलाम बेबस लोगों, अब तो जान जाओ, अब तो आगे बढ़ने के बारे में सोचो, अब तो अपने जीवन के बारे में सोचो। अगर आज आप जवानी में भी आपके शरीर में जान है, आप भी इस कारवा को आगे नहीं बढ़ाओगे तो आपको क्या लगता है कि आने वाली पीढ़ी इस देश में सुरक्षित रहेगी या गुलाम बन जाएगी? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर सोचो संविधान खत्म हो गया तो क्या आप इस देश में सम्मान से जी पाएंगे? दोनों आप उठा के बताओ जी पाओगे नहीं जी पाओगे? तो भाई ये बताओ, संविधान की रक्षा वो करेंगे तो संविधान को खत्म करना चाहते हैं कि आप वो करोगे? बताओ दोनों हाथ उठाके, जिनके दोनों हाथ भी नहीं उठ रहे वो समाज रक्षा कैसे करेगा? मुझे तरस आता है कि आज भी मेरा समाज जो हाथी से भी ताकतवर है वो कमजोर बना बैठा है। ज्यादा दिन कमजोर रहोगे तो ये लोग आपको कुचल के हारे निकल जाएंगे। कब तक जो है राजधानी में रोते रहोगे? हम खड़ी आ चुकी है, अब रोना बिलखना बंद करो, एकजुट होके भाईचारा बना के और इस लड़ाई को आगे बढ़ाने का संकल्प लो, ताकत बन जाओ। वो दिन दूर नहीं कि भारत में नहीं दुनिया में बाबा साहब अम्बेडकर के सपने में चर्चा होगी और बाबा साहब अम्बेडकर का सपना पूरा होगा। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि 21वीं सदी हमारी और 21वीं सदी चल रही है। मैं सीधे लोगों को तो कुछ नहीं कहना चाहता क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में बहुत ज्यादा काम किया है। मैं तो नौजवानों को कहना चाहता हूँ कि भाई आपकी जिम्मेदारी बनती है, आपने काम शुरू कर दो और हमें यह संकल्प देना है। आज जो लोग मुझसे प्यार करते हैं वो हाथ उठा जरा, चलो तो फिर मेरे साथ संकल्प लो, दोनों हाथ उठाकर मेरे साथ संकल्प लो कि हम अपने जीते जी बाबा साहब डॉक्टर भी